समझिए सर, आप हैं सर तो हम लोग हैं, आप जो है सर हम लोग के बल हैं, हिम्मत है सर। सर प्लीज शांत रहिए, प्लीज सर, सर प्लीज, हम लोग आपसे कह रहे सर, आप हम लोग की हिम्मत है, और सर आप टूट जाएंगे सर ना तो हम लोग किसी लायक नहीं रहेंगे। नमस्कार, मैं हूँ देवांशी मोइत्रा। अदम गोंडवी का एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी। यूपी की योगी सरकार कोरोना को लेकर चाहे जितने बड़े बड़े दावे करे, लेकिन सच्चाई यही है कि सूबे में कोरोना के हालात बहुत बदतर। पूरे प्रदेश की जनता कोविड की वजह से परेशान। यूपी सरकार भले ही ये दावा करे कि प्रदेश में ऑक्सीजन या फिर बेड की कमी नहीं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। योगी सरकार के दावों की पोल एक वीडियो ने खोल दी। इस वीडियो में एक वरिष्ठ डॉक्टर हाथ जोड़कर रो रहा है क्योंकि वो रेमडेसिविर इंजेक्शन का इंतजाम मरीज के लिए नहीं कर पा रहा। इस वीडियो को शेयर किया है पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने। वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, टूट गए हैं, रोने लगे हैं सरकारी बड़े डॉक्टर योगी राज में। महाराजगंज जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर AK रॉय किसी के प्राण बचाने के लिए रेमडेसिविर नहीं दे पा रहे, उपलब्ध नहीं। योगी जी कहते हैं दवा की कोई कमी नहीं, तो वहीं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, महाराजगंज जिला अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर CMS लोगों को इंजेक्शन न उपलब्ध करा पाने पर असहायता से रो पड़े। स्थिति में है हमारे चिकित्सक और स्वास्थ्य व्यवस्था, मॉडल कंट्रोल रूम में ये पीड़ा दिख रही है कि नहीं, क्या इस दर्द का भी ऑडिट करेगी सरकार। अब आप इस वीडियो में देखिए कि कैसे CMS डॉक्टर AK रॉय रो रहे हैं। सर आप अगर हिम्मत है और सर आप टूट जाएंगे सर ना तो हम लोग किसी लायक नहीं रहेंगे। इस आपदा के आया सर जो ना, इस पे आप लोगों का सर सहयोग चाहिए हम लोगों को। आप लोग भगवान है, भगवान है सर आप लोग, प्लीज सर, सर प्लीज। CMS डॉक्टर AK रॉय की लाचारी को देख मरीज के परिजन महाराजगंज के CMO के पास भी रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए गुहार लगाने गए, लेकिन CMO साहब भी बिल्कुल बेबस और लाचार नजर आए। CMO का वीडियो शेयर करते हुए पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा, योगी जी, महाराजगंज मिनी गोरखनाथ छावनी के रूप में जाना जाता है, आपके मठ का ही क्षेत्र है। ये CMO महाराजगंज की स्वीकारोक्ति है, रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं है, और क्या साक्ष्य चाहिए आपको योगी जी? बेकार में लोग परेशान है सर, सर इंजेक्शन चाहिए सर, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा बेटा। सर मेरे पिता की खराब है सर, नहीं मिल रहा बेटा। सर कहाँ जाए ढूंढने सर, हम उनके KMC को रफी को मिलाए हुए हैं सर। मिलाए सर। अरे भाई, आप रेमडेसिविर के पीछे क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं? रेमडेसिविर नहीं मिल रहा भैया, आप टेमीफ्लू क्या कहते हैं, फैबीफ्लू दिलवाइए। हाँ तो फैबीफ्लू एक के रेमडेसिविर से किसी की जिंदगी नहीं बचती। भैया आप लोग प्लीज प्लीज जाइए, हम कहाँ जाए सर, रफीक से बात कर रहे हैं, और रेमडेसिविर से किसी की जिंदगी नहीं बचती है सर। डॉक्टर ने यही बताया है रेमडेसिविर चाहिए मुझे, तो मेरे बात के लिए उसी से बात कर रहा हूँ ना, रफीक से। देखो डॉक्टर रफीक से, हाँ यही तो सर। महाराजगंज UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह नगर गोरखपुर का पड़ोसी जिला, जहां का CMS सिर पर हाथ रखकर रो रहा है कि वो मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दे पा रहा। तो वहीं जिले का CMO मरीज के परिजन से ये कहते हुए नजर आ रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन से किसी की जान नहीं बचती, और CMO डॉक्टर को भी रेमडेसिविर के बजाय किसी दूसरे इंजेक्शन का नाम लिखने का सुझाव दे रहे हैं। सर आप अगर प्लीज अपना हाथ अगर खींच लेंगे सर ना तो बाकी लोग क्या होगा सर, आप इसे टूट जाएंगे तो। और समझिए सर, आप हैं सर तो हम लोग हैं, आप जो है सर हम लोग के बल हैं, हिम्मत है सर, सर प्लीज शांत रहिए, प्लीज सर, सर प्लीज,
हम लोग आपसे कह रहे सर आप हम लोग हिम्मत है और सर आप टूट जाएंगे सर ना तो हम लोग किसी लायक नहीं रहेंगे। इस आपदा के आया सर जो ना उस पे आप लोगों का सर सहयोग चाहिए हम लोगों को। आप लोग भगवान है भाई। भगवान है सर आप लोग प्लीज सर सर प्लीज के लिए बेकार में लोग परेशान है सर सर इंजेक्शन चाहिए सर रेमडेसिविर नहीं मिल रहा बेटा सर मेरे पिताजी तो खराब है सर नहीं मिल रहा बेटा सर कहाँ जाए ढूंढने सर हम केएमसी को फिर को मिलाए हुए सर मिलाए सर अरे भाई आप रेमडेसिविर के पीछे क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं रेमडेसिविर नहीं मिल रहा भैया आप टैमीफ्लू क्या कहते हैं फैबीफ्लू दिलवाइए हाँ तो फैबीफ्लू एक रेमडेसिविर से किसी की जिंदगी नहीं बचती भैया आप लोग प्लीज प्लीज जाइए और हम कहाँ जाएं सर रफीक से बात कर रहे हैं फिर भी रेमडेसिविर से किसी की जिंदगी नहीं बचती है सर डॉक्टर ने यही बताया है रेमडेसिविर चाहिए मुझे तो मेरे बाप के लिए उसी से बात कर रहा हूँ ना रफीक से देखो डॉक्टर रफीक के एमसी हाँ यही तो सर चारों हॉस्पिटल से धक्के खा के यहाँ आया हूँ मैं सुबह से धक्के खा रहे हैं बोलो क्या करें हैं बोलो अंदर तक नहीं खुलने दे रहे कम से कम ऑक्सीजन की जरूरत है उसको इस समय बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कहीं मिल नहीं रहा कहीं में ऑक्सीजन लेवल अभी 35-38 के बीच में बताया मरीज हमारा कब तक रहेगा चिंता बोलो कितने बेकार में लोग परेशान है सर एक सर इंजेक्शन चाहिए सर रेमडेसिविर नहीं मिल रहा बेटा सर मेरे पिताजी तो खराब है सर नहीं मिल रहा बेटा सर कहाँ जाए ढूंढने सर हम केएमसी को फिर को मिलाए हुए हैं सर मिलाए सर अरे भाई आप रेमडेसिविर के पीछे क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं रेमडेसिविर नहीं मिल रहा भैया आप टैमीफ्लू क्या कहते हैं फैबीफ्लू दिलवाइए हाँ तो फैबीफ्लू एक रेमडेसिविर से किसी की जिंदगी नहीं बचती भैया आप लोग प्लीज प्लीज जाइए और हम कहाँ जाएं सर रफीक से बात कर रहे हैं फिर भी रेमडेसिविर से किसी की जिंदगी नहीं बचती है सर डॉक्टर ने यही बताया है रेमडेसिविर चाहिए मुझे मेरे बाप के लिए उसी से बात कर रहा हूँ ना रफीक से देखो डॉक्टर रफीक एमसी हाँ यही तो सर